किस डीटीएच ऑपरेटर ने कौन से चैनल को ऐड किया और कौन से चैनल को रिमूव किया। एक महीने में बहुत सारे चैनल डीटीएच ऑपरेटर्स के ऊपर ऐड होते हैं और बहुत सारे चैनल को हटा दिए जाते हैं। इसके बारे में आप लोगों को एक जगह जानकारी महीने के अंदर तकनीकी सार आपको लाकर देगा, जो कि प्रीवियस मंथ के रिपोर्ट के बारे में होगा। जैसे कि इस वीडियो में आपको जो मैं जानकारी देने वाला हूं, दिसंबर 2019 के बारे में होने वाला है कि कौन से डीटीएच ऑपरेटर ने कौन से चैनल को ऐड किया और कौन से चैनल को हटा दिया है, साथ ही साथ कितने चैनल को ऐड किया और कितने चैनल को हटाया है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इंडिया के अंदर जो अभी डीटीएच ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं उसमें टाटा स्काई, एयरटेल, सन डायरेक्ट, डिश टीवी, डीटीएच और साथ ही साथ डीडी फ्री डिश, जो कि 6 प्लेटफॉर्म आज की डेट में डीटीएच में काम कर रहे हैं, और इसके अलावा जो एमएसओज और केबल ऑपरेटर्स हैं वो लोग काम कर रहे हैं। तो इनके अंदर कुछ चैनलों को ऐड किया जाता है, कुछ को रिमूव किया जाता है, जिसके बारे में मैं वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के सबसे बड़े डीटीएच प्लेटफॉर्म जो है कि टाटा स्काई, उन्होंने 6 चैनलों को ऐड किया है और उसके अंदर 3 पंजाबी चैनल हैं और एक इन्होंने प्लेटफॉर्म चैनल को ऐड किया है। तो प्लेटफॉर्म चैनल क्या होता है कि कोई भी डीटीएच ऑपरेटर जो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर चैनल लेके आता है, जैसे कि टाटा स्काई की बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि उनके प्लेटफॉर्म पे चैनल हैं। तो टाटा स्काई ने एक हॉलीवुड टाटा स्काई हॉलीवुड लॉन्च किया है, जिसके ऊपर हॉलीवुड की मूवीज देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ 6 चैनल और भी ऐड किए हैं, जो कि मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन से देख के बताता हूँ, जो कि हैं इंटरटेन बंगला, ANB न्यूज, लिविंग इंडिया, PTC पंजाबी गोल्ड, बल्ले बल्ले। ये नॉर्मल सेटेलाइट चैनल है जो कि लगभग 6 के आसपास हैं। इसके अलावा 3 चैनल को टाटा स्काई ने अपने प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दिया है, जिसके अंदर सबसे पहला नाम आता है टाटा स्काई तेलुगु सिनेमा HD, जो कि SD के अंदर अभी भी अवेलेबल है 1402 नंबर पे। और इसके अलावा जो 2 और जो ड्रॉप किए गए हैं चैनल, जिसमें S न्यूज और TV24 है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई टाटा स्काई के बारे में। अब टाटा स्काई के बारे में बताने के बाद बात करते हैं एयरटेल डिजिटल टीवी के बारे में। तो एयरटेल डिजिटल टीवी ने 4 चैनल को ऐड किया है और साथ ही साथ कोई भी चैनल को रिमूव नहीं किया है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर से। कुछ क्यूरेटेड पैक्स भी उन्होंने निकाले हैं। तो 4 चैनल कौन से ऐड किए हैं एयरटेल डिजिटल टीवी ने दिसंबर 2019 के अंदर, तो वो चैनल है आपके यो टीवी, श्री बबासा, जैन टीवी और साथ ही साथ केयर वर्ल्ड। ये 4 चैनल को एयरटेल ने अपने प्लेटफॉर्म पर लेके आने की कोशिश की है और साथ ही साथ 2 कुछ क्यूरेटेड पैक लेके आए हैं, जो क्यूरेटेड पैक के अंदर आपको अपने जो भी चैनल्स हैं वो ऐड करके उन्होंने दिए हैं, जो कि अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो ये टाटा स्काई के अलावा एयरटेल की तरफ से कोशिश ये रहती है कि वो टाटा स्काई को पीछे छोड़े और डिजिटल की दुनिया में अपना नाम आगे लेके आए। अब एयरटेल और टाटा स्काई के बारे में बताने के बाद बात करते हैं डिश टीवी और डीटीएच के बारे में, जो कि एक ही कंपनी के द्वारा प्रमोट किए जाते हैं और इनके अंदर भी 4 चैनलों को ऐड किया गया है और 1 चैनल को रिमूव किया गया है। जो 4 चैनल ऐड किए गए हैं उनके नाम है बंगला भारत, जी बायोस्कोप, जी पंजाबी और चंद्रकला टाइम टीवी। इसके अलावा जो चैनल को हटाया गया है उसका नाम है खुशबू बंगला। दोस्तों ये चैनल जो हटाए गए हैं, ये हटाने के बाद कुछ क्यूरेटेड पैक्स भी ऐड किए गए हैं जो डिश टीवी और डीटीएच हैं। तो इन पैक्स के बारे में जानकारी आपको अगर लेना है तो वेबसाइट के ऊपर जाके आप देख सकते हैं। अब ये जो डीटीएच ऑपरेटर्स के नाम मैंने बताए हैं वो ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन सन डायरेक्ट एक ऐसा डीटीएच प्लेटफॉर्म है जो कि साउथ के अंदर सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो सन डायरेक्ट ने टोटल 9 चैनल को ऐड किया है, लेकिन एक भी चैनल को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर से हटाया नहीं है। जो चैनल ऐड हुए हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं। पहला चैनल जो ऐड हुआ है डीडी पुंडुचेरी, इंटरटेन, म्यूजिक इंडिया, ABP गंगा, संगीत मराठी, दबंग, बी गंगा, NTV एंड बिग म्यूजिक एंड बिग मैजिक। दोस्तों ये बड़े बड़े चैनल ऐड हुए हैं। NTV अब सनडाइट के ऊपर आ चुका है, साथ ही साथ इंटरटेन, बिग मैजिक, ये सब बड़े चैनल थे जो कि बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आया करते थे, सनडाइट के ऊपर नहीं आया करते थे। तो इनको इन्होंने ऐड करने की कोशिश की है, साथ ही साथ कोई भी चैनल को हटाया नहीं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर से। मतलब ये कि नॉर्थ इंडिया के जो चैनल देखे जाते हैं सबसे ज्यादा, उनको अपने प्लेटफॉर्म पर ये लोग लेके आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्यूरेटेड पैक्स सनडाइट की तरफ से लॉन्च किए गए हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने टीवी पैकेज को बना के आप देख सकते हैं टीवी विदाउट एनी टेंशन। अब पेड डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में जानकारी देने के बाद अगर बात करते हैं डीडी फ्री डिश के बारे में, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टीवी देखने को देता है, साथ ही साथ आपको वन टाइम पेमेंट करना होता है इसके अंदर। इसके अंदर भी बहुत सारे चैनल बदलते रहते हैं, बहुत सारे चैनल ऐड होते रहते हैं, बहुत सारे चैनल को रिमूव कर दिया जाता है। तो डीडी फ्री डिश दिसंबर 2019 के अंदर 8 चैनल उन्होंने ऐड किए अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर और 3 चैनल को उन्होंने अपने चैनल से हटा दिया है। तो कौन से चैनल वो 8 है जिनको ऐड किया गया है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर? तो जो 8 चैनल डीडी फ्री डिश के ऊपर ऐड किए गए हैं वो इस प्रकार से हैं, सैमरो, मराठा बीना, ABP गंगा, शो बॉक्स, आई लव, TV9 भारतवर्ष, जो कि बहुत ही फेमस चैनल्स में से काउंट होता है न्यूज़ के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर TV9 भारतवर्ष बहुत नाम कमाता जा रहा है। उसके अलावा ABG कूल, जी बायोस्कोप जो कि जी के ऊपर भी ऐड किया गया था, और जी पंजाबी का टेस्ट रन चल रहा था लेकिन अभी जो है ये लाइव हो चुका है और जो उनके प्रोग्राम्स हैं वो टीवी पे आने लगे हैं। तो ये डीडी फ्री डिश के चैनल्स के नाम थे। इसके अलावा 3 चैनल हटाए गए हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं, इंडिया न्यूज़,
आर्यन टीवी नेशनल और शुभ टीवी, ये तीन चैनल को डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है। तो दोस्तों ये मंथली रिपोर्ट दिसंबर 2019 की थी, आने वाले टाइम के अंदर आपको हर महीने एक वीडियो इसके ऊपर मिला करेगा जो कि आपको मंथली रिपोर्ट देगा कि कितने चैनल आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐड किए गए हैं और कितने चैनल्स को अपने आपके प्लेटफॉर्म से हटा दिए गए हैं। हो सकता है कभी कि आपके काम का चैनल चल रहा हो वो हटा दिया गया हो, तो प्लीज इसके लिए आपको मेरा चैनल को तकनीकी सर को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए इन्फॉर्मेशन को कि लोगों तक पहुंच सके, और कोशिश कीजिए कि बेल आइकन को प्रेस कर सके कि आने वाले टाइम के अंदर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे।